मिस्टर करण लूथरा, कैसे हैं आप? आई एम गुड मिस्टर लूथरा। क्या प्रीता जी का ट्रीटमेंट कहीं और करवा रहे हैं? ट्रीटमेंट मतलब? जी हाँ, अभी मैंने उनका रेगुलर चेकअप किया और मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि उनकी मेंटल हालत ठीक नहीं। मुझे तो लग रहा था कि उनकी कंडीशन बेटर हो रही है, बट आई एम सॉरी टू से उनके दिमाग में अभी भी चोटें हैं। आई मीन टू से उन्हें मेमोरी बैंक्स होते हैं। कुछ भी याद करने से, दिमाग पर जोर डालने से जो दर्द होता है, जो असर होता है, वो उन्हें हो रहा है। उनके दिमाग में कश्मकश चल रही है, संघर्ष चल रहा है, फिर भी उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये है कि वो यादें, वो मेमोरीज जो उनके दिमाग के अंदर गहराई में कहीं जाकर डूब गई थी, उभरने की कोशिश कर रही हैं। और जब भी उनके साथ ऐसा होता है तो उनके दिमाग की नसें कॉम्प्रेस हो जाती हैं और फिर वो बेहोश हो जाती है। व्हाट, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? मैं वही बोले जा रहा हूँ जो उनके साथ हो रहा है। मतलब जो उनके साथ बरसों पहले हुआ था, जिसके कारण उनके दिमाग पे बहुत असर पड़ा था। क्या हुआ था? प्रीता जी अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। उन्हें अपनी पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। उन्हें पास का कुछ भी याद नहीं है। इनफैक्ट उनकी याददाश्त तो बरसों पहले ही खो चुकी है। और आपको याद है, आपने भी तो लास्ट टाइम कहा था ना कि कभी कभी आपको बहुत अजीब सा लगता है कि प्रीता जी आपसे ऐसा बिहेव करती हैं जैसे वो आपको जानती ही नहीं। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर मेमोरी, वो अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। उन्हें अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लोता, और एक बात, घर में जो भी उन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज आप सबसे कह दीजिए कि ऐसा ना करें, उनके दिमाग पे प्रेशर ना डालें, क्योंकि ऐसा करके आप लोग उन्हें हेल्प करने के बजाय उन्हें नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। और एक बात, प्लीज मेक श्योर कि कोई भी प्रीता जी से ये ना पूछे कि क्या आपको याद है ऐसा कब हुआ था, ऐसा तब हुआ था, एटसेट्रा एटसेट्रा। मिस्टर लूथरा, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? राजवीर को ढूंढने के लिए। राजवीर कौन लगता है तुम्हारा? है तुम्हारा क्या रिश्ता है तुम्हारा राजवीर से? राजवीर से, राजवीर से। अरे बोलो ना। राजवीर मेरा प्रीता को जानते हो? आप ये क्यों पूछ रहे? पहले भी एक बार पूछा, तब तुमने जवाब नहीं दिया। तो ये सवाल मुझसे पूछने की जगह आपको ये सवाल प्रीता से ही पूछना चाहिए।